हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशु खान। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल इजी हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी, तीन जो कि बच्चे भी कर सकते हैं। हेयर स्टाइल इज नॉट माय कप ऑफ टी, लाइक मुझे बनाना बहुत मुश्किल लगता है हेयर स्टाइल्स, बट जो मुझे बनाने आते हैं वही मैं आप लोगों के साथ फटाफट शेयर करती हूँ। ये वाले हेयर स्टाइल जो है ईद में बहुत ही सिंपल और ईजी हेयर स्टाइल्स हैं जो कि आप कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी हेयर एक्सटेंशंस, लाइक बाल में के हेयर एक्सटेंशंस आप कैसे पहन सकते हो अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और आप कोई हेयर स्टाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो अपने कमजोर बालों की वजह से और आप हेयर एक्सटेंशंस भी नहीं पहन सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये तमाम चीजें करके दिखाऊंगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो कि मैंने कैसे बनाए हैं ये हेयर स्टाइल, देन कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, नोटिफिकेशन बेल जो है वो जरूर हिट करिएगा ताकि मेरी वीडियोज देखें आप सबसे पहले। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सटेंशन के लिए मैं यूज करूंगी बालमे के मेमरी हेयर एक्सटेंशन। इसमें तीन लेंथ के एक्सटेंशन आते हैं, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मेरे पास यहाँ पे 60 सेंटीमीटर एक्सटेंशन अवेलेबल है। आप सोच रहे होंगे कि मेमरी हेयर क्या होता है और ये क्या चीज़ है। मेमरी हेयर बाल में पेरिस हेयर की खास पहचान है। ये सिंथेटिक हेयर्स हैं और ह्यूमन हेयर से 30% लाइट वेट हैं। ईजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं आराम से। इसकी चमकदार खासियत और वजन में हल्का होना इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है। इस एक हेयर एक्सटेंशंस को जो है वो कर्ल भी कर सकते हो और स्ट्रेट भी कर सकते हो। 160 टेम्परेचर रखोगे आप फ्लैट आयरन पे और फिर उसको स्ट्रेट करोगे या कर्ल, जो आपकी मर्जी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसे ब्रश कर रही हूँ। आप इसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखोगे यूज़ करने के बाद, हमेशा जो एक्सटेंशंस हैं उसको ब्रश करके ही रखें। बहुत ही सॉफ्ट एक्सटेंशंस हैं ये, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे स्ट्रेट करने में, इससे कोई बाल शाल नहीं निकलते। आप देख सकते हो इसमें टोटल जो है 7 क्लिप्स हैं, 5 बड़े क्लिप्स हैं, टिक टैक क्लिप्स हैं, और 2 छोटे जो कि आपके बालों को जो है इन एक्सटेंशंस को अपने आपके बालों में अच्छे से होल्ड रखता है। देन हम पार्टीशन करेंगे अपने बालों की। आप देख सकते हो इन क्लिप्स को मैं टिक टैक क्लिप्स को ओपन कर लूँगी और अपने बालों में जो है इनको सिक्योर कर लूँगी, लाइक बंद कर लूँगी, और हमारे जो एक्सटेंशंस हैं वो थ्रू आउट द डे गिरेंगे बिल्कुल भी नहीं, सिक्योर रहेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका जो वॉल्यूम बालों में कम है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं अपने बालों के इस पोर्शन में अप्लाई कर रही हूँ, इसको लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल यहाँ से बहुत ही थोड़े कम लगते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ। बाकी आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा शाइनी है और बिल्कुल सेम मेरे बालों की तरह है। इसमें मेरे ख्याल से 5 डिफरेंट कलर्स हैं और ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और किसी भी शॉप से, आपको कॉस्मेटिक्स शॉप से आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मेरे बालों के साथ ब्लेंड हो गए हैं, बहुत ही मज़े से और कंफर्टेबल इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बनाई थी हेयर एक्सटेंशंस के बारे में, वो भी अच्छे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू दोज दीज आर द बेस्ट। मेरे बाल स्ट्रेट करने के बाद बहुत ही फ्लैट और बहुत ही कमज़ोर लगते हैं। मेरा फेस बहुत ही ब्रॉड है इसलिए मैं एक्सटेंशंस को पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक्सटेंशंस के बग़ैर मेरा फेस और भी ज़्यादा बड़ा लगता है। तो ये एक्सटेंशंस मैं डेफ़िनेटली आपको रिकमेंड करूँगी। आप लोगों को अगर कहीं शॉप से, कॉस्मेटिक शॉप से मिलती हैं, आप एक बार ज़रूर चेक करना, क्वालिटी चेक करना, दे आर आउटस्टैंडिंग। तो अब मैं आपको 3 सिंपल इजी पीजी हेयर स्टाइल बताती हूँ जो कि आप इस गर्मी में जो है वो कैरी कर सकते हो, एंड आई लव दोज हेयर स्टाइल। सो हेयर स्टाइल नंबर 1, आई डोंट नो इनके नाम, बट हेयर स्टाइल बनाने से पहले सबको पता है वी हैव टू ब्रश और हेयर। तो हम अपने बालों को अच्छे से ब्रश कर लेंगे ताकि कोई टैंगल ना रहे, और उसके बाद मैं ये
आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, बट वॉल्यूम के लिए ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है पफ बनाने के लिए। तो मैं फ्रंट सेक्शन लूँगी और इसी तरह से बाल मैं फ्रंट की तरफ थोड़े से लेकर आगे करके उसके पीछे जो ये पफ चीज़ है इसको मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। आप देख सकते हो कि एकदम से मेरे बालों में वॉल्यूम आ गया है फ्रंट से। मैं अपने बालों को बैक से ट्विस्ट करूंगी और उसके बाद मैं कॉम क्लिप की मदद से इसको सिक्योर करूंगी। आप देख सकते हो कॉम क्लिप को आपने यहाँ पे उल्टी साइड से अपने कान के ऊपर से बाल लेते हुए आना है और दूसरी तरफ आपने इसको सीधा करके अंदर की तरफ बंद कर देना है। तो आप देख सकते हो आपके बाल जो हैं बिल्कुल बंद हो चुके हैं, सिक्योर हो चुके हैं। आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल जो है वो बन चुका है। आपको किसी भी बॉबी पिन की ज़रूरत नहीं है, ना क्लिप की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की नहीं। आपके बाल जो हैं पूरा दिन सिक्योर रहेंगे और आई लव दिस क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉबी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉबी पिन की वजह से बहुत बाल जो हैं टूटते हैं उसको उतारते हुए। तो आप कोई भी फ्लावर्स जो हैं अपने बालों में लगा के अपने बालों की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। देन हेयर स्टाइल नंबर टू, जो कि बहुत ही कमज़ोर बालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइल है। यहाँ पे मैंने हेयर एक्सटेंशंस लगा लिए थे तो मेरे बाल थोड़े से हैवी हो गए थे, वरना ये हेयर स्टाइल मैं पूरा दिन अपने घर में कैरी करती हूँ। तो आपने बालों को लेकर इस तरह से हार डाल के इसको ट्विस्ट करना है और बाकी जो बाल हैं उनको उसी जगह पे आपने मतलब अंदर की तरफ ट्रैक करना है, लाइक अंदर की तरफ आपने उसको हाइड करना है ताकि आपके बाल जो है नज़र ना आए। तो आप देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग बिल्कुल वैसे ही करोगे। अब बिना देखे हेयर स्टाइल बनाना बहुत मुश्किल होता है, आई नो। तो थोड़े बहुत बाल मेरे इधर उधर से निकले हैं तो उसको आप इग्नोर करें। फिर जो कॉम क्लिप है उसको उल्टी साइड से मैं अपने थोड़े से बाल कानों के साइड से लेके उसको आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करूँगी और जो हमने ये ट्विस्ट अपडू बनाया है इसके नीचे ही मैं उसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट हेयर स्टाइल में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही इस हेयर स्टाइल में भी हम करेंगे और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर देंगे या टक कर देंगे और अपने बालों को सिक्योर कर लेंगे। एंड दैट्स इट, योर हेयर स्टाइल इज़ डन। आप इसमें भी फ्लावर लगा सकते हो या कोई ज्वेलरी लगा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैसी लग रहा है बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। लाइक आप इसे फॉर्मल पार्टीज़ वगैरह पर भी कैरी कर सकते हो। नाउ दिस इज़ बच्चों वाला हेयर स्टाइल जो कि हर कोई कर सकता है, लेकिन जो नहीं कर सकता वो देख लो। लाइक आपने बालों को अच्छे से बैक करना है और उसको फिर ट्विस्ट करना है, लाइक पोनी की तरह आपने बालों को लेना है और फिर उस बालों को जो है अच्छे से ट्विस्ट करना है और ऊपर की तरफ हमें लेके जाएंगे और फिर हम क्लचर की मदद से इसे हम सिक्योर कर लेंगे और बाकी बालों को जो है हम उसके ऊपर ले आएंगे। और आप देख सकते हो बहुत ही मज़े की हाई पोनी टेल लुक आ रही है मेरे बालों की, आप देख सकते हो। तो आप इसे एवरीडे हेयर स्टाइल की तरह भी कैरी कर सकते हो, अगर आप कैरी कर सकते हो तो। आई एम रियली बैड इन एक्सप्लेनेशन, लाइक आई डोंट नो कि आप लोग को समझ आई है कि नहीं। अगर आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच। ओके, सो द लिप कलर आई एम वेयरिंग राइट नाउ इज फ्रॉम मिलानी एंड इसका शेड है गॉर्जियस। आपको ये मिलेगी कहाँ से? यू कैन गेट इट फ्रॉम विकास डॉट पी के, मैं लिंक नीचे मैंशन कर दूंगी। सो दैट्स इट गर्ल्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई हो तो लाइक तो बनता ही है। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।